महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थापक सप्ताह समारोह के अवसर पर एमपी इंटर कॉलेज से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह द्वारा घोषणा के साथ रवाना किया गया, जिसमें शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। शोभा यात्रा में विभिन्न वेशभूषा में छात्र छात्राएं नजर आए। इसमें महाराणा प्रताप, भारत माता, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज, रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में निकले छात्र छात्राओं ने सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। इसके अलावा स्वच्छ भारत, पर्यावरण, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे राष्ट्रभक्ति नारे गूंजते रहे। शोभा यात्रा एमपी इंटर कॉलेज के उत्तरी गेट से निकली और मुख्य गेट से वापस कार्यक्रम स्थल पर जाकर समाप्त हुई। बैडमिंटन कोर्ट में खड़ी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2018 के उद्घाटन अवसर पर शोभा यात्रा के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा करता हूँ। धोती कुर्ता और महाराज के राज्य संत महाराष्ट्रीयन साड़ी पहनने के परिधान में और काशी ईरानी के तमाम सारे प्रतीक आपके साथ तलवार लेकर के वही साफा साड़ी और प्रधान पहनने का वही महाराष्ट्रीयन प्रधान आगे भी चल रही देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले दो दो बार आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सावरकर जी के प्रधान में महाराणा प्रताप शिक्षा महाविद्यालय का छात्र चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा परिषद के बढ़ते क्रम पढ़ाई कर रही और शिक्षक बनने का प्रशिक्षण देता हुआ यह महाविद्यालय एलपी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर श्री जयनाथ चौहान साहब हमारे विशेष अतिथि को इसके बाद श्री गुरु गोरखनाथ जी का चित्र है। विद्यालय गोरखपुर इसके पीछे प्रधान लगता है कि चाहे जितना भी नियोजन करना हो, संक्षिप्तीकरण करना हो, लिमिटेशन डालो महाराणा प्रताप और हिंदू आता सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी श्री गोरखनाथ विद्यापीठ प्रविया बीपी गए
संतों को, राष्ट्र संत को। बहुत शानदार दल, हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की
रागनी राव है। मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से हूँ, बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आजकल पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, इस वजह से पर्यावरण संरक्षण के लिए उसको ना काटा जाए। मेरा नाम नीतू चौधरी है और मैं गुरु श्री गोरक्षनाथ नर्सिंग ऑफ कॉलेज की हूँ। और मैं इसके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और इस प्रकृति को हमारे प्रदूषण से बचाएं और वृक्षों को कम काटें। मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है, मैं महाराजा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। हमारे इस कॉस्ट्यूम पहनने का उद्देश्य है कि हम ये कॉस्ट्यूम पहन के बताना चाहते हैं कि ये जो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियों से कैसे हम लोग बच सकते हैं। इसी के उद्देश्य हम लोगों ने पहना है कि ये हम लोग इससे बचाव के तरीके लोगों को बताएंगे और इससे बचने के उपाय बताएंगे। गीता पांडे, महाराणा प्रताप गर्ल्स सेंटर कॉलेज। मेरा मैसेज ये है कि लड़कियों को कभी झुकना नहीं चाहिए। अगर लड़की उन्हें तंग करे तो उनको तुरंत जवाब देना चाहिए। और आजकल तो लड़कियों के हेल्पलाइन भी चली गई है और पुलिस हर जगह मौजूद रह रही है, इसलिए कभी लड़कियों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इसमें 8-16 तरह की महिलाओं को दिखाया गया। कोई महारानी दुर्गावती बना है, कोई रानी लक्ष्मीबाई बना है, कोई पद्मावत। इन्होंने भी अपने समय में झुका नहीं, इसलिए हम लोग उनको उनके रूप में बने हैं ताकि हम लोग आगे चल के कभी झुके ना। मेरा नाम निधि सिंह है, मैं दिग्विजयनाथ महिला छात्रावास की हूँ और हम पर्यावरण बचाओ ये हमारी थीम है। और हम इस थीम से यही प्रदर्शित करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, पेड़ ना काटे जाएं, क्योंकि उससे बहुत प्रदूषण हो रहा है आजकल। हमारे इतना बिजी हो गई है लाइफ, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, उससे बचने के लिए, इतनी बीमारियों से बचने के लिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, कृपया प्रकृति को हानि ना पहुँचाएं, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद।